देखिएगा लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। महाराष्ट्र की सियासत में जब भी शरद पवार कोई चाल चलते हैं तो उससे उनके विरोधी चारों खाने चित्त हो जाते हैं। अब ठीक ऐसा ही हुआ है। शरद पवार ने एक ऐसा वार किया है जिसके बाद शिंदे और उसकी कंपनी के हलक सूख गए हैं। भारतीय जनता पार्टी टेंशन में आ गई है। दरअसल महाराष्ट्र की सियासत में शरद पवार एक ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो देश भर में तमाम दलों के बीच अपनी एक अलग ख्याति के लिए जाने जाते हैं। उनके संबंध हर दल में उतने ही मधुर होते हैं, बावजूद इसके उन्हें अपना रास्ता सही तरीके से पता है। सीनियर पॉलिटिशियन शरद पवार महाराष्ट्र की सियासत की नई दिशा और दशा तय करने में जुट गए हैं। इस बार जो उन्होंने प्लान बनाया है कि महाविकास आघाड़ी बाद में नहीं, पहले से ही इस तरीके की रणनीति के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और निकाय चुनाव की तैयारी करे, इस तरीके से आगे बढ़े कि शिंदे गुट और बीजेपी की दाल न गल सके। हिंदुस्तान ने इस मामले में एक डिटेल खबर प्रकाशित की है जिसमें शरद पवार के मूवमेंट के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है। शरद पवार चाहते हैं महाविकास आघाड़ी एकजुट रहे और मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़े, ताकि जो ये बीजेपी वाले फूट डालो राज करो की राजनीति के चलते जोर तोड़ के सियासत करते हैं, विधायकों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, वो सब बंद हो जाए। इस वजह से ही, क्योंकि अभी जो उपचुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी की सीट में महाविकास आघाड़ी सेंध लगाने में सफल हो गई। अब जरा देखिए इन चीजों को कि इससे कितना उत्साह बढ़ा है। महाराष्ट्र की सियासत में शरद पवार ने जो भी कदम तय किए हैं, अगर उस नक्शे कदम पर कांग्रेस हो या फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो या अलग कोई पार्टी हो जो महाविकास आघाड़ी में जुड़े हुए हैं, वो सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी और शिंदे के तमाम प्लान्स पर पानी फेर सकते हैं। तो जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए हिंदुस्तान ने इस मामले में क्या जानकारी दी है। हेडलाइन में हिंदुस्तान ने लिखा, सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ एमबीए की बड़ी तैयारी, शरद पवार मास्टर प्लान पर कर रहे काम। दरअसल कस्बा पेठ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद रविंद्र धंगेकर शरद पवार से मिलने पहुंचे थे। मुलाकात के बाद ही यह तय किया गया कि जब हम भाजपा की सीट में सेंध लगा पा रहे हैं तो इसका मतलब बीजेपी से लोग उब रहे हैं। वहीं शरद पवार का यह भी कहना है कि जहां जहां वो घूम रहे हैं वहां पर बदलाव की मांग उस महाराष्ट्र की जनता कर रही है। तो ऐसे में एकजुट होकर अगर विपक्ष चुनावी मैदान में उतरे, चाहे वो महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हो या फिर आने वाला लोकसभा चुनाव हो, हर जगह बीजेपी के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे। वैसे भी लगातार एक सर्वे आ रहा है इंडिया टुडे का और मूड ऑफ द नेशन के नाम से वो सर्वे है, जिसमें यह बताया गया है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में करारा झटका लगने वाला है लोकसभा चुनाव में। वो आंकड़े हम आगे आपको दिखा देंगे, लेकिन जरा यहाँ महाविकास आघाड़ी के सियासी समीकरण को और शरद पवार के चाल को समझने की जरूरत है जिससे शिंदे कंपनी घबराई हुई है। हिंदुस्तान ने लिखा है पवार के हवाले से कि भारतीय जनता पार्टी के गढ़ कस्बा पेठ में हुए विधानसभा उपचुनाव में आम लोगों ने धंगेकर को चुना क्योंकि वह पिछले कई वर्षों से उनके लिए काम कर रहे हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या आगामी निकाय चुनाव में एमवीए के घटक दल साथ लड़ने का फार्मूला दोहराएंगे, पवार ने कहा कि एनसीपी में उनके सहयोगी इस पहलू पर गौर कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मेरा प्रयास यह सुनिश्चित करना होगा कि एमवीए के घटक दल और एक साथ रहें, संयुक्त फैसले हों और राज्य विधानसभा व लोकसभा चुनाव को मिलकर सामना करें। अगर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ एमवीए के घटक दल एक साथ मिलकर लड़ते हैं तो मजबूत ताकत बन सकते हैं। एनसीपी, कांग्रेस और यूबीटी एक साथ चुनाव लड़ना मास्टर प्लान साबित हो सकता है। वैसे भी महाराष्ट्र की सियासत में शिंदे गुट ने शिवसेना से, यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना से पार्टी चिन्ह, नाम, निशान सब छीन लिया है चुनाव आयोग के जरिए। लेकिन अब यहाँ पर स्थिति यह है कि शिंदे गुट भी घबराया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का अगर अंतिम फैसला आएगा तो शिंदे खेमे में गए कहीं वो तमाम विधायक अयोग्य न साबित हो जाएं। इस वजह से उद्धव ठाकरे ने भी कहा था कि मध्यावधि चुनाव की भी तैयारी लोगों को करते रहनी चाहिए।
इससे क्या होगा कि जनता में और कार्यकर्ता में उत्साह की कमी नहीं होगी और उन्हें पता है कि महाराष्ट्र में गलत किसने किया है। तो 2024 में उन्हें सबक सिखाने की भी पूरी तैयारी की जा रही है। 2019 के वक्त क्या सियासी समीकरण था आप सबको पता है, उसे अगर आंकड़ों में समझना चाहते हैं तो जरा अपने स्क्रीन पर देखिए हिंदुस्तान ने क्या जानकारी दी है। इसमें लिखा गया है कि गौरतलब है कि महाराष्ट्र में 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में तत्कालीन सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खाते में सबसे अधिक सीटें आई थी। बीजेपी को 105 सीटों पर जीत मिली, जबकि उसकी पुरानी सहयोगी पार्टी शिवसेना 56 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। इसके बाद नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के खाते में 54, कांग्रेस के खाते में 44 और निर्दलीय के खाते में 13 सीटें आई। नतीजों के बाद शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन कर लिया, जिससे महाविकास अघाड़ी नाम दिया। हालांकि 2022 में सिंधे गुट ने छलकपट से विधायकों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी से जा मिले, गुवाहाटी में महीनों आराम किया और फिर आकर सत्ता बना ली। जबकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, हमने 10 दिन सुनवाई क्या टाली आपने, तो वहां सरकार ही बना डाली। वैसे अब सियासी परिदृश्य बदल चुके हैं, महाविकास अघाड़ी बिल्कुल मजबूत दिखाई पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में शरद पवार के नेतृत्व में महाराष्ट्र में कम ही कुछ गड़बड़ियां देखने को मिलती हैं। यहां से आप देखेंगे कि जो सर्वे हो रहा है मूड ऑफ द नेशन, उसमें महाराष्ट्र को लेकर क्या बताया गया है, उसके लिए जरा आप अपने स्क्रीन पर एबीपी न्यूज की यह खबर देखिए। महाराष्ट्र को लेकर एबीपी न्यूज में सर्वे के आधार पर जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक वहां 48 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से 41 सीटों पर कब्जा भारतीय जनता पार्टी का हुआ था और फिर 5 सीटें ही विपक्ष के हिस्से में आई थी। अब जरा समीकरणों को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, बताया जा रहा है कि 6 गुना सीट बढ़ने वाली है। 2019 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 41 पर एनडीए ने कब्जा जमाया था, वहीं यूपीए के सीट सिर्फ 5 आई थी, इनमें से एनसीपी को 4 जबकि 1 सीट कांग्रेस को मिली थी। यहां यह ध्यान रखना होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव में शिवसेना एनडीए के साथ थी, लेकिन 2022 में फूट के बाद शिंदे के नेतृत्व में पार्टी का एक धड़ा एनडीए के साथ है, जबकि उद्धव ठाकरे गुट कांग्रेस के महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है। इसके बाद समीकरण बदल चुका है, समीकरण बदलने का असर सीटों पर भी पड़ता दिख रहा है। ताजा सर्वे के अनुसार राज्य में 34 सीटें यूपीए को मिलती दिख रही हैं, इसके साथ ही यूपीए के वोट प्रतिशत में भी बढ़ोतरी हुई है, गठबंधन को 48% वोट मिले हैं। तो इस समीकरण ने तो बीजेपी की नींदें उड़ा ही दी थी और अब शरद पवार भी उसी पॉजिटिविटी के साथ महाविकास अघाड़ी को तमाम दलों को एकजुट कर आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका नतीजा तो अलग दिखेगा ही। महाराष्ट्र में सियासत की दिशा और दशा तय करने के लिए शरद पवार वैसे भी जाने जाते रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।